बिल गेट्स ने आईफोन की बजाय एंड्रॉयड के इस्तेमाल की वजह बता दी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने इंकशाफ किया है कि वो अब भी एप्पल के आईफोन्स पर एंड्रॉयड फोन्स को तरजीह देते हैं। एप्पल की सिर्फ ऑडियो चैट के लिए मखसूस एप्लीकेशन क्लब हाउस पर एंड्रॉयड और ऐप के जरिए शरीक बानी पॉल डेविडसन के साथ इंटरव्यू में बिल गेट्स ने कहा कि एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट के एक जगह होने का मतलब यह है कि वो जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं वो बुनियादी तौर पर एंड्रॉयड होती हैं। गेट्स ने कहा, मैं वाकई एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करता हूं कि मैं हर चीज का ट्रैक रखना चाहता हूं। मैं अक्सर आईफोन से लुत्फानंदोज होता हूं, लेकिन जो फोन मैं अपने साथ रखता हूं वो एंड्रॉयड होता है। उनका मजीद कहना था, एंड्रॉयड फोन बनाने वाले बास कंपनियां पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर इस अंदाज से इंस्टॉल करती हैं कि मुझे आसानी होती है। इन कंपनियों के रवैये में इस हवाले से ज्यादा लचक है कि सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किस तरह मरबूत होता है। इसलिए मेरे लिए नतीजा ये निकला कि मैं आदी हो गया हूँ। आप जानते हैं कि मेरे बहुत से दोस्तों के पास आईफोन है, इसलिए इसमें कोई नफासत वाली बात नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज फोन के नाम से अपना फोन मुतारिफ करवाने की कोशिश की थी, लेकिन एप्लीकेशन की कमी की वजह से बिलाखिर मंसूबे को तर्क कर दिया। तब से माइक्रोसॉफ्ट ने सरफेस डू के नाम से तय हो जाने की सलाहियत रखने वाले एंड्रॉयड फोन तैयार करने के लिए गूगल के साथ शराकत दारी कर रखी है। उस वक्त से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दूसरी मोबाइल फोन साज कंपनियों जैसा कि सैमसंग के साथ ज्यादा मरबूत हो चुकी है। मोबाइल फोन बनाने वाली कोरिया की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन व्यूअर फोन इस्तेमाल करती है। एप्लीकेशन स्मार्टफोन्स और विंडोज 10 से लेस मोबाइल फोन्स के दरमियान 2019 से किसी हद तक रबते की उसी तरह सहूलत फराहम करती है जिस तरह एप्पल के मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान रबता कायम होता है। सैमसंग ने 2017 में अपने मोबाइल फोन गैलेक्सी S8 का माइक्रोसॉफ्ट वर्जन भी बनाया था, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस, वन ड्राइव, आउटलुक और कोटाना जैसी एप्लीकेशन और सर्विसेज शामिल की गई थी। अगरचे माइक्रोसॉफ्ट के बानी का इंटरव्यू क्लब हाउसेज पर किया गया था, लेकिन ये एप्लीकेशन सिर्फ मोबाइल फोन्स के लिए एप्पल का ऑपरेटिंग रखने वाली डिवाइसेज यानी आईफोन्स और आईपैड्स पर ही काम करती हैं। तमाम डेविडसन का कहना था कि एप्लीकेशन का एंड्रॉयड वर्जन तैयार करना कंपनी की अवली तरजीहत में शामिल है। इन हालात में कि जब आईफोन्स ने 45% अमरीकी मार्केट पर कब्जा जमा रखा है, एंड्रॉयड दुनिया में मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल की डिवाइसेज महंगी होने और भारत और चीन जैसे मुल्कों में सस्ते मोबाइल फोन्स की बड़ी पैमाने पर दस्तियाबी की वजह से सैमसंग, हवावे, वन प्लस या गूगल डिवाइसेज पर 70% से ज्यादा लोग एंड्रॉयड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं।